में घूम रहा है शिव का अमृतान, जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। ऐसी कि दिल्ली तक तो आवाज पहुंच जाए। कमलनाथ और दिग्विजय कह रहे हैं कि हम उपवास पर बैठेंगे, जरा उनके कानों तक भी पहुंचा दो। भारत माता की, बिंद की, धरा की, किसान बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की, आज इधर से देखो किसानों का सैलाब उमड़ता चला आ रहा है। अरे मीडिया के मित्रों, मेरी शकल क्या दिखा रहा है, एक बार उधर भी घुमा दो यार किसानों की तरफ। लगातार किसान इस मैदान की ओर चले आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, तीनों किसान कानूनों के समर्थन में। और इस अवसर पर हमारे नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री इस सम्मेलन के प्रभारी भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण बिसाहूलाल सिंह जी, राम खिलावन जी, भाई सदेंद्र जी, जिलाध्यक्ष अजय जी, आदरणीय जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह स्क्वायर दोनों आए कि नहीं, गिरीश जी, केदार जी, जय सिंह जी, कुंवर सिंह जी, जुगल किशोर जी, नरेंद्र जी, दृशरण जी, वीरेंद्र जी, कमल जी, विजय जी, दिलीप जी, रामलाल जी, बुद्ध सैन जी, पंचूलाल जी, श्यामलाल जी, प्रदीप जी, जेपी त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी, विक्रम सिंह जी, रामलल्लू जी, सुभाष वर्मा जी, सरस कौल जी, मनीषा जी, नरेंद्र बराबी जी, गौरव जी, प्रज्ञा जी, त्रिपाठ जी, शंकरलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी, दिलीप जी, आदरणीय ज्ञान सिंह जी, सिद्धे मंच, भरा पूरा मंच है। ये भारतीय जनता पार्टी है और मंच के साथ साथ फिर दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। लेकिन जब मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं तब भी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति होती है। मैं पिछली बार आया था इस बिंद की धरा पर, भरपूर दिया बिंद ने, और अब तो बिसाहूलाल जी भी आ गए, बड़ी देर करी नंदलाला, कहां फंसे थे तीस में से 25। और इस बिंद की धरा के जनता को मैंने घुटने टेक के, सी झुका के, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया था। बार बार करूंगा, जब तक जीवित हूं तब तक करूंगा। कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की कि ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। अरे कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान है। अपनी जनता के सामने, चाहे वो बिंद की हो, मालवा की हो, बुंदेलखंड की हो, महाकौशल की हो, ग्वालियर की धरा की हो, मैं घुटने टेक के प्रणाम करूंगा, शीर झुकाऊंगा, क्योंकि ये जनता ही हमारे लिए भगवान है, इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये भी समझ लेना, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज पूरे मध्यप्रदेश में आप देख रहे होंगे ड्रग माफिया, भू माफिया, तस्कर, बेईमान, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले, आज उनकी कमर तोड़ कर रख दिए। और याद रखना, कमलनाथ दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोल के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है। सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्ट दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले, और उपवास चाहे के लिए बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान का।
लिए करना चाहिए कि तुम थे प्रस्ताव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विंध्य की धरा पर तुमने पार सागर पूरा नहीं किया, विंध्य की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की मालवा की धरती पर नहीं आने दिया, तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा और कमलनाथ तुम उपवास करोगे, जो जनता का हक ही खा गए, कर्जा माफी के एक बदल गए और इनने नहीं उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने राहुल बाबा दस दिन में सब कमा, उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, कर्जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गर्दी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्रायश्चित करो, भूखे रहो लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो, प्रायश्चित करने के लिए। और आज शिवराज सिंह चौहान कहता है मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, विंध्य वालों, मालवा वालों, ग्वालियर चंबल वालों, बुंदेलखंड वालों, ये कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ब्याज की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे तो हम उतारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपवास करने की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं थे दिक्कत थी, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाई आपसे पूछना चाहता आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है बताओ, अरे जवाब से बताओ पाप है कि नहीं, वैसे ही खा गए। किसानों की बात करते हो, हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी, और राहुल बाबा आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने जमा नहीं किए इसलिए फसल बीमा योजना में लाभ का लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की, हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए, तुमने किसानों के साथ अन्याय किया, हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, तुमने कर्जा माफ करके के 0% ब्याज का कर्जा ही बंद कर दिया, एक नहीं अनेकों पाप किए इस कांग्रेस। आज ये किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, उनका पैसा नहीं दिया, बैंक वाले मेरे पास आए कि आप तो दयालु मुख्यमंत्री हो हम वर्गर में क्या क्यों, बोले कमलनाथ कर्जा माफी माफी का प्रमाण पत्र बटवा गए पैसा दिया ही नहीं है, माफा तुम्हें जमा करवा दो, मेरे कमलनाथ अब उपास नहीं करोगे तो क्या करोगे, पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। किसान भाइयों मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उन्होंने तय किया गरीब किसानों के लिए 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपया देंगे, एक अमरनाथ राहुल बाबा तुम्हारा क्या जाता था रे, तुम्हें तो सूची भेजनी थी सूची, इन्हें सूची तक नहीं भेजी किसानों की मदद से, प्रधानमंत्री का पैसा नहीं मिल जाए इन्हें सूची मत भेजो, तुम्हारा क्या जाता था रे, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चढ़े चोखा, तुम्हें तो सूची भेजनी थी,
लेकिन सूची नहीं भेजी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक बताना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजना पाप है कि नहीं है? अरे ऐसे नहीं जोर से बता, पाप है कि नहीं है? जवाब दो कमलनाथ राहुल गांधी, हमें सूची भेजी। अब जब हम सूची भेज रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि शिवराज चौथी बार बन गया, 6,000 पहले से मिल रहा है, 4,000 तू भी डाल दे, खाए को कसर छोड़ दे। तो हमने 6,000 में 4,000 जोड़ के 10,000 कर दिए। कोई वर्षा किया कि नहीं किया? हमने 10,000 कर दिए, उन्हें सूची नहीं भेजी। और अभी तो ये 10,000 किए सबों ने कोरोना की कड़की है, जरा और जान तो फिर से अभी 18 तारीख को परसों के दिन जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, 1600 करोड़ रुपया उनके खाते में फिर डालने वाला हूं। अगले महीना फिर किसान कल्याण निधि का पैसा डालेगा। महीना में कम से कम एक बार तो पैसा डालेंगे किसान के खाते में। कमलनाथ कांग्रेस के राज में कभी मिले थे क्या पैसा, बताओ? खाते में कभी आते थे? किसान कानून का विरोध करेंगे क्या? खाकर विरोध करोगे? 100-100 चूहे खाके बिल्ली हज करने जा रही है, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे, किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है, बता है तुम्हें? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, बता सकते हो क्या तुम? यह विरोध करेंगे किसान का। ये किसान कानून क्या है? मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, अगर सबसे बड़ा किसान हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। किसानों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह की नीतियां बनाई है। एक तरफ किसान सम्मान निधि, एक तरफ फसल बीमा योजना का लाभ, एक तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड, एक तरफ एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, एक तरफ खेती के साथ कृषि का विविधीकरण करना, अनेकों फैसले किए नरेंद्र मोदी जी ने। तो दूसरी तरफ किसान कानून बनाए दीर्घकालीन लाभ के लिए। ये विरोध करने वालों क्या है किसान कानून? पहला किसान कानून, मैं किसान भाई चाहे मुझे रीवा में सुन रहे हो, इंदौर में सुन रहे हो, ग्वालियर में सुन रहे हो, सागर में सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं पहला कानून किसान भाइयों, उस पर प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, वो चाहे तो मंडी में बेच, और मंडी में बेचने के बजाय अगर उसको अपने घर पे अच्छा रेट मिलता है, कोई व्यापारी आता है और मुझसे कहे कि तुम्हारा धान 3,000 रुपये क्विंटल में घर से ले रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति है भाई? प्याज पैदा हो रही है, प्याज घर से खरीद रहा हूं, तुम्हारे खेत में से ले जाता हूं, तुम्हें कौन सी आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाई, किसान को यह आजादी होनी कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि वो अपना माल चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो घर पर बेचे, चाहे तो खेत में बेचे, यह आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे पीछे तक जोर से बताओ, यह आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं जाना मंडी तो जबरदस्ती ले जाओगे क्या? अगर मेरे पास कोई फूड प्रोसेसर आता है और कहता है कि मैं सीधा खरीद रहा हूं, इतने रुपया दूंगा, मुझे पूरा रहा है तो मुझे बेचने का हक नहीं है क्या? अभी तक क्या था? अभी तक हम मंडी में ही अपना अनाज बेच सकते थे। कृषि उत्पाद केवल मंडी में बिकता है, मंडी जाने के लिए बाध्य थे, मंडी के बाहर अगर खरीद ले कोई तो अपराध होता था, मंडी टैक्स की चोरी कर ली, पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो, ये कौन सा कानून? मेरी मर्जी में घर पर बैठू, मेरी मर्जी में खेत पर बैठू, मेरी मर्जी में मंडी में बैठू, तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी,
ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे। एक सुरजेवाला उन्हें ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में मंडी ठप हो गई और मंडी की आय कम हो गई। अरे सुरजेवाला तू क्या जाने रे भाई, मंडी की आय कम इसलिए हुई है कि मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठंडी मंडी व्यक्त कर दिया। बताओ अच्छा क्या की बुरा किया? अरे कौन सा बताओ अच्छा किया की बुरा किया? अभी खेती किसानी जानते नहीं है। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे, मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है, किसान जहां चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बैठे? अगर मुझे मंडी में दिक्कत, लंबी लंबी लाइन लग रही है, घर पे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारे पेट में काय को दर्द हो रहा है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं, बताओ इस कानून में कोई गलत बात है क्या? जोर से बताओ, पीछे तक गलत बात है क्या? ये किसान विरोधी है क्या? तो काय को राहुल बाबा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चढ़ा रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे झूठो जरा तो शर्म करो जी, ये बिल पैंदी के लोटे कांग्रेसी, ये खुदा सा कानून बना है। शरद पवार मुझे चिट्ठी लिख रहे थे, जब कृषि मंत्री थे शरद पवार, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और मैडम सोनिया गांधी आप चेयरपर्सन थी यूपीए की, आपके यहां से चिट्ठी आती थी कृषि कानूनों में बदलाव करना जरूरी है, मॉडल एपीएस एपी एक्ट लागू करो, मॉडल मंडी एक्ट लागू करो, तब वो सही था। अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी करे तो पाप। धन्यवादी कांग्रेस, जरा भी शर्म नहीं आती। एक दिन में जो सुंदर बजा जाए उठ उठ डर भी तुरंत गलत है, गलत है, गलत है। और राहुल बाबा भी इसका चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक नहीं उठ पाए। अभी मंडी कानूनों का, ये किसान कानूनों का विरोध कर, दूसरे कानून में क्या है किसान भाई? अरे दूसरे कानून में सीधा बात यह कही गई है कि अगर किसान के पास कोई कंपनी आती है, कोई व्यापारी आता है और वो बोते समय किसान से समझौता करता है कि आप धान बो रहे हो, मैं 3,000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा और मुझे लगता है कि सौदा मेरे फायदे का है, वो मुझे खाद और बीज के लिए भी कुछ मदद कर रहा है और मैं कॉन्टेक्ट कर लेता हूं कि ठीक है आज मैं बो रहा हूं, जब पैदा होगी 3,000 ले जाना, अभी तो बोता तो जुमा है, जब बोआ बोया तो 4,000 रेट और जब फसल आई तो 2,000 रह गया छका हुआ। अगर बोते समय मुझे पता चल जाए कि काट के जब खलिहान में आएगी तो ये भाव मिलेगा, तो बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? अरे जोर से बताओ बुराई है क्या? मेरी मर्जी, मुझे जम रहा है, मैंने कर लिया समझौता, तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है भाई? मेरी मर्जी, कोई बात ऐसा नहीं है। इस कानून में क्या दिक्कत है बताइए? कई किसान पहले भी कॉन्टैक्ट करते हैं, खाद बीज के लिए पैसा भी मिल गया, मदद भी हो गई और व्यापारी को 3,000 रुपये फिर खरीदना पड़ेगा, कंपनी को खरीदना पड़ेगा, कोई बेईमानी नहीं कर सकता और बेईमानी करेगा तो सजा मिलेगी। जैसे पिपरिया में आपको पता है मध्य प्रदेश की पिपरिया 3,000 रुपया क्विंटल धान का तय किया, एक कंपनी राइस कंपनी ने दिल्ली की, बदल गए 3,000 भी नहीं लेंगे, तो ये कानून था नरेंद्र मोदी का, पकड़ लिया कंपनी को और 3,000 रुपया क्विंटल किसान का धान बिकवा के पूरे 3 दिन के अंदर पैसे खाते में डलवा दिए। इस कानून का चमत्कार, मेरी मर्जी भाई, कंपनी कब्जा कर लेगी। अरे आप जाए कहां की कंपनी में दम है, कदम तो रख के देखे किसान के खेत में टांगे तोड़ के वापस भेजेंगे, कोई कब्जा कर सकता है? बता कोई यहां के कहीं कंपनी कब्जा कर लेगी हमारी जमीन?
फालतू की छोटी बात करते हैं, कोई कब्जा कर सकता है आज के जमाने में? और अगर रेट बहुत बढ़ गए तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह प्रावधान भी है, 3,000 की बजाय 6,000 हो गए तो एक क्लॉज ऐसा, किसान चाहे तो समझौते से बाहर निकल सकता है। क्या आपत्ति है भाई तुम्हें? पहले से मैं रेट तय कर लूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे किसान भाइयों, इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताओ, कोई बुराई है क्या? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? पेट में दर्द हो रहा है, मोदी मोदी, अरे मैदान में मोदी से निपट नहीं पाते, जहां देखो चुनाव हार रहे, एक के बाद एक राज्य खिसकते जा रहे हैं। कैलाश जी इंदौर में बैठे हैं, भाभी लोग मुझे सुन रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी घबरा रही है, चारों तरफ हाहाकार मची है, नरेंद्र मोदी मारे जाएंगे, और कुछ नहीं मिला तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला। और कौन कौन घुसते हैं उस आंदोलन में, जिसका अध्यक्ष जिसका दिक्कत व्यक्ति कर रहे थे, देश तोड़ने वाले थी, कई तरह के गलत धंधे करने वाले थे। हम किसानों से बात करने को तैयार है। तीसरा किसान कानून मेरे बहनों और भाई, वो भी जरा ध्यान से सुनना था कि गांव के चौपालों पर जाकर बताओ। तीसरा कानून ये कहता है कि व्यापारी को अभी तक या कंपनी को खरीदों में इस खरीद में स्टॉक लिमिट तय थी। स्टॉक लिमिट का मतलब तुम ब्याज 50 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम आलू इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम धान इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते। अब नहीं रख सकते तो हम ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे नहीं तो कीमत गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्टॉक लिमिट समाप्त, जितना प्याज खरीदना प्याज खरीदो, आलू खरीदना आलू खरीदो, धान खरीदना धान खरीदो, गेहूं खरीदना गेहूं खरीदो, चना खरीदना चना खरीदो, खरीदने दे दो रे, खरीदने दो ना, क्या तकलीफ है? अगर ज्यादा खरीदेंगे ज्यादा बिकेगा तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कीमत बढ़ेगी। इसलिए स्टॉक लिमिट समाप्त कर दिया, सारे प्रतिबंध किसान पे ही, प्याज इससे ज्यादा नहीं रखोगे। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जरा कीमत बढ़ जाए प्याज की आलू की टमाटर की तो ऐसे आंसू बहाते, मर गए महंगाई मार गई, छातियां पीटते रहते हैं, अरे किसान को प्याज के एक बार मिल गया 30 रुपया तो तुम्हारे पेट का दर्द क्यों होता है? असली भी तो बिक जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्टॉक लिमिट समाप्त कर दी, जितना चाहो खरीदो किसान के माल को ताकि कीमत बढ़ती रहे। बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताना, कोई बुराई है क्या? अरे सीढ़ियों वाले तुम भी बताओ बुराई है क्या? ये तीनों कानून किसान के हित में है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए हैं। हम तीनों कानूनों के लिए, आओ मेरे किसान भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए, और आइए आज पूरी दुनिया से कह दीजिए, मध्य प्रदेश के भिंड के मालवा के ग्वालियर चंबल के और बुंदेलखंड के किसान महाकौशल के नरेंद्र मोदी के साथ है, तीनों किसान कानूनों के साथ है। और मीडिया के मित्रों, अरे आपको कैमरा किसानों तरफ घुमा दो रे, जरा उधर घुमाओ, भीड़ दिखाओ, भैया उठाओ दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ, बांधो मोटी और बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून जारी रहे, मोदी जी आगे बढ़ो। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, और दुनिया को बता दीजिए हम मोदी जी के साथ हैं, किसान कानून अच्छे हैं, हम सब किसान कानूनों के साथ हैं। एक बार मुझे बताओ किसान कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से बोलो अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।